आपको डालते हैं वी बिलीव वो अग्नि उतरेगा स्वर्ग का वो अग्नि वो पवित्र आत्मा आपने जो प्रॉमिस किया है वो उतरेगा हमारे ऊपर हम प्रकाशन की आत्मा पवित्र आत्मा फिर से दीजिए लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं Amen. Okay, हम लोग वचन में जाएंगे जजेस चैप्टर सेवन वर्स नाइन टू फोर्टीन जजेस चैप्टर सेवन वर्स नाइन टू फोर्टीन ओके okay, okay, मैं पढ़ लेता हूं उसी रात को यहुआ ने उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर दूंगा चौदह तक पढ़ते जाएंगे परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक पूरा किस को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन नेक्स्ट वर्स वर्स फोर्टीन तक हम लोग पढ़ेंगे कि वे क्या कर रहे हैं ये सुन के वो क्या कर रहे हैं उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का ही होगा तब वो अपने सेवक पूरा के संग लेकर उनका हथियार बंदों के पास जाओ जो छावनी की ओर छोर पर थे उतर आया मिद्यानी और अमेरिकी और सब पूर्वी लोग सब पूर्वी लोग रेढ़ियों के समान बहुत से तराई में फैल पड़े थे पहले पड़े थे और उनके ऊंट समुंदर के बालू के किनके के समान गिनती के बाहर थे जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना सपन यूं कह रहा था कि सुन मैंने स्वप्न को क्या देखा है कि जो कि जो की एक जौ जौ की एक रोटी लुढकते हाँ, कि जो की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिधियान की छावनी में आई और डेरे को ऐसे टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसे उलट दिया कि डेरा दे, कि गिर पड़ा उसके संगी ने उत्तर दिया युवाश के पुत्र गिदोन नाम एक इज़राइली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है उसी के हथियार ने परमे सॉरी उसी के हाथ ने में परमेश्वर ने मिद्यान की सारी छावनी समेत कर दिया है क्या का सपना देखा था वो जौ की एक रोटी बार्ली ब्रेड राइट एंड इंटरप्रिटेशन यहां पे दे दिया गया है कि वो जौ की रोटी कौन है गिदोन गिदौन और उसका तलवार जौ की रोटी गिदौन के जीवन में ओके इट्स डिस्टर्बिंग बार बार ऊपर नीचे करते तेरह ऑफ द साउंड ओके सो इट्स वेरी लाउड ऑल्सो हाँ ओके यू कैन डू वन थिंग यू कैन डिस्कनेक्ट दिस हम विल बी लाउड इनफ ठीक है जस्ट डिस्कनेक्टेड ओके हेलो हेलो लोग सुन पा रहे हैं या yeah. okay. जौ की रोटी गिदोन के जीवन में उसके जीवन में हम लोग तीन तीनों इजराइल का तीन पर्व था जो कटनी से जुड़ा हुआ था अलग अलग किस्म का फसल का कटनी से जुड़ा हुआ था दोन के जीवन में ओके, okay. हम लोग पहले देखते हैं कि उसके हाथ में गेहूं राइट right? वो गेहूं झाड़ रहा था कहां पे? में, जो से जुड़ा हुआ है सो वीट हो गया ग्रेप्स हो गया और तीसरा भी हम लोग देख रहे हैं जौ वीट ग्रेप्स बार्ली पहली बार हम लोग देखते हैं कि वो गेहूं के साथ है राइट right? वो वीट के साथ है और वो क्या कर रहा है वो गेहूं का जो वो उस उसका जो उसको झाड़ रहा है उसको तोड़ रहा है उसको पीस रहा है उसका जो आउटर शेल है उसको झाड़ झाड़ के उसका आउटर शेल उसका बाहरी कवच जो है उसको तोड़ रहा है और उसको एकदम अच्छा बना रहा है ताकि वो पाउडर करके उसको उसको रोटी के लिए बनाया जा सके और हम लोग देखते हैं कि वो दाकुंड में है जहां पे दाकुंड वो जगह है जहां पे बहुत सारे अंगूरों को लाया जाता है अंगूर गुच्छा गुच्छा लाया जाता है और वहां पे उसको कुचला जाता है और तब दाकरस निकलता है वीट हार्वेस्ट जो गेहूं का जो कटनी का फसल है जो, जो फसल का कटनी का पर्व है उसको वो पेंटिकॉस्ट का समय में होता है ओके okay, पेंटिकॉस्ट का समय में होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंगूर दाक में है अंगूर का कटनी अंगूर को जो लोग कलेक्ट करते हैं वो यूजुअली इसराइल का आखिरी पर्व जो फीस्ट ऑफ टाबेनाकल्स यानी कि तंबुओं का पर्व उस समय होता है और अभी हम लोग देख रहे हैं कि गिदोन, द, एक दर्शन मिल रहा है ये दुश्मनों को और दर्शन इस स्वपन मिल रहा है और वो सपन में गिदोन, वो उसके इंटरप्रिटेशन है कि गिदोन वो जौ का रोटी है जौ पकता है पासओवर के समय में फसा पर्व के समय में और ये अलग अलग पर्व जो है हम लोग देख रहे हैं गिदौन एक विश्वासी का जीवन में याद रखिए पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा हुआ था हमारी शिक्षा के लिए रखा हुआ है निर्गमन का बारह कदो जब एक्सोडस में निर्गमन में जब वो लोग पहली बार फसा पर्व मना रहे थे यू नो उस समय परमेश्वर ने बारह कदो में कहा था कि अब तुम्हारा साल शुरुआत होगा तुम्हारा हिब्रू कैलेंडर कहाँ से शुरू होगा पास से शुरू होगा महीना तुम लोगों के लिए आराम ठहका ठहरेगा मतलब जनवरी फर्स्ट जैसा हम लोग के लिए है उनके लिए फसा पर्व शुरुआत था साल का ओके इब्रानियों के लिए उनका कैलेंडर शुरू होता था पास से एंड फसा पर्व में वो लोग कौन सा रोटी खा रहे थे जौ का रोटी अखमीरी रोटी ओके वो तो लेकिन क्या का अकमेरी रोटी जौ का रोटी जौ का रोटी वो लोग खा रहे थे क्यों क्योंकि फसा पर्व के समय में जौ का फसल पकता था ओके okay? सबसे पहले इब्रानियों का जो ईयर है उनका कैलेंडर में सबसे पहले जौ पकता है ओके टुडे इज अ लॉट ऑफ टीचिंग एक वर्ष दूसरा वर्ष से कनेक्टेड रहेगा उसके बाद गेहूं वीट ओके okay? एंड उसके बाद फाइनली ग्रेप्स अंगूर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ओके पिक्चर या yeah, जस्ट uh, एक एक पिक्चर है जिसमें वो सारा फीस ऑफ द ऑफ इज़राइल अलग अलग पर्व जो वो मनाते हैं वो सेवन फीस्ट है सात अलग अलग पर्व वो जो मनाते हैं वो इस पिक्चर uh, में दिया हुआ है एंड उससे आप देख पाएंगे कि कोई कोई फीस ओवरलैप कर रहे हैं ओके okay? एंड को कोई कोई फीस शुरुआत में है कोई कोई फीस एंड में है साल का शुरुआत और साल के एंड में है ओके यू कैन पुट दैट अप

तो दो दिन निशान का चौदह और पंद्रह okay? अखमीरी रोटी का ये पर्व ये सात दिन नाउ इफ यू सी निशान वो उनका आ, महना का नाम है राइट यू विल सी ओवरलैप हो रहा है फोर्टीन फिफ्टीन एंड फिफ्टीन से लेके बाईस तक ओवरलैप हो गया फिफ्टीन वहां पे ओवरलैप हो गया और उसके बीच में हम लोग देखते हैं पहला फर, आ, फल चढ़ाने का पहला कटनी का पर्व फर्स्ट फ्रूट्स का ओके okay, वो भी वही महीना में आ रहा है निशान 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 इफ यू सी वो शुरुआत पहले ही महीना में तीन पर्व ओवरलैप हो जा रहा है उसके बाद यू विल सी कि जो यून एट मतलब पर्व है राइट right? तो आखिरी तीन पर्व जो है वो भी तीसरी महीना कि एक ही महीना में वो तीन पर्व आ रहा है और वो भी ओवरलैप यू कैन से नॉट ओवरलैप एग्जैक्टली नहीं कर रहा है लेकिन एक ही महीना में आ जा रहा है ओके सो यह सबका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है नाउ जो पकता था पासओवर के समय में ओके okay? पेंटिकोस के समय में जो करीब पचास दिन बाद यानी कि दो महीने ऑलमोस्ट दो महीना बाद क्या पकता है व्हीट ओके okay? गेहूं उसके बाद और समय जब पार हो जाएगा लास्ट में क्या चीज पकता है ग्रेप्स अंगूर यू गॉट इट ये ऑफरिंग्स क्योंकि बोला गया था ना ये ग्रेन ऑफरिंग लाओ तो उस समय कौन सा ग्रेन ऑफरिंग लाया जाता था अकॉर्डिंग टू फसल पकता था उसके अनुसार वो लोग ये ग्रेन ऑफरिंग लाते थे ओके okay. नाउ जो जो पहले पकता है दैट शोज वो बाइबल हम लोग को बताता है कि वो दर्शा रहा है जयवंत विश्वासियों का ओवरकमिंग बिलीवर्स ओवरकम बार्डली रिप्रेजेंट ओवरकमिंग बिलीवर नाउ ऑल्सो अंडरस्टेंड कि नए नियम में हम लोग शुरुआत कोई भी नहीं करता है एज एन ओवरकमिंग बिलीवर हम लोग सब शुरुआत करते हैं एज एन अनबिलीवर उसके बाद बिलीवर बनते हैं और तब फाइनली अगर हम लोग विश्वास योग्य रहे तो हम लोग ओवरकमर्स बनते हैं जयवंत बनते हैं राइट right? सो so, जो जौ का रोटी है वो दिखा रहा है कि गिदोन जय जै पाएगा जयवंत होगा ओके okay? क्योंकि अब वो जौ का रोटी बन गया है शुरुआत में वो कैसा था शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो गेहूं था उसके हाथ में लेकिन अब वो जौ का रोटी बन गया है क्यों उसके लाइफ में समर्पण अभी बड़ा है परमेश्वर उसके लाइफ में अलग अलग टेस्टिंग बत्तीस हजार तीन सौ हो गया है परमेश्वर उसका लाइफ में उसको रिड्यूस कर दिया हम लोग देखे कि वन परसेंट से भी कम रिड्यूस कर दिए परमेश्वर उसको हम लोग की जिंदगी में भी हम लोग घटेंगे 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 एंड फाइनली हम लोग क्या बन जाएंगे जौ का रोटी जैसे ओवरकमिंग बिलीवर बन जाएंगे ओके पेंटिकॉस्ट जब वीट जब गेहूं वो पकता है वीट पकता है तब तो हम, uh, हम लोग देखते हैं कि दैट इज द रेस्ट ऑफ द बिलीवर्स चर्च रेस्ट ऑफ द बिलीवर्स हम लोग देखते हैं कि एंड उस समय Pentecost में क्या हुआ था तीन हजार बिलीवर्स एड हो गए थे चर्च में तीन हजार बिलीवर्स ओके okay? तीन हजार क्यों अनबिलीवर से वो लोग बिलीवर बन गए थे दैट इज वॉट हैपेंड पेंटिकॉस्ट में राइपनिंग ऑफ दीट गेहूं उस समय पक गया पेंटिकॉस्ट में एंड फाइनली ग्रेप्स प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है परमेश्वर ही विल स्टॉम्प द ग्रेप्स ऑफ इज रॉथ अपना क्रोध का कब जब चर्च मोस्ट प्रॉबली तब तक चर्च अगर हम लोग रैप्चर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर तब तक कलीसिया को उठा ले जाएंगे बाकी क्या रहा परमेश्वर का वो क्रोध में वो जाएंगे उस दाकुंड में और रौंदेंगे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में ओके तो बारले सबसे पहले बारले पकता है बारले यानी कि जो पकता है एंड कहता है फिलिपियों का तीन का ग्यारह में आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट रेजरेक्शन बाइबल बताता है कि दो रेजरेक्शन होगा राइट right? ताकि मैं किसी भी रीति से मरु हूं कि जी उठने के पद तक पहुंचू Now, ये कौन सा वो पहला रिजरक्शन जो राज करेंगे जो ओवरकमर्स है पॉलूस कहता है कि मैं इनमें इन गिना जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी में। <laughs> जब परमेश्वर हम लोग पढ़ते हैं ये चीज परमेश्वर इज़राइल को निकाल रहे थे मिस्र देश से तो विपत्ति पे विपत्ति पे विपत्ति पे विपत्ति डालते गए ओके निर्गमन का नौ का इकतीस और बत्तीस में तो okay, पढ़ता हूँ क्योंकि वॉल्यूम नहीं आया है हाँ सन और जौ ओके सन और जौ तो ओले से मारे गए क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थी और सन में फूल लगे हुए थे बत्तीस पर गेहूं और कर, और कठिया गेहूं जो जो बढ़े ना थे इस कारण वे मारे ना गया याद है परमेश्वर ओले बरसाए थे तो कौन सा क्रॉप डैमेज हुआ था जौ जौ डैमेज हुआ था क्या के साथ सन के साथ, यानी कि जव और सन एक साथ पकते हैं एंड गेहूं बाद में पकता है ओके? Okay? गेहूं बाद में पकता है नाउ, ये पासोर के जस्ट पहले गॉड वॉज जजिंग ने क्योंकि ये जजमेंट्स खत्म हुआ फसा पर्व उनको बताया गया कि तुमको फसा पर्व मनाना है और तब उनको निकलना है यानी कि फसा पर्व में वो लोग गेहूं तो तब तक पका ही नहीं था तो क्या वो लोग खा रहे थे जो का रोटी जो उनके एरिया में था जो बचा हुआ था यू अंडरस्टैंड नाउ जौ के साथ कौन सा चीज पकता है एक साथ सन ओके फ्लैक्स फ्लैक्स से क्या बनता है लिनन लिनन लिने फ्लैक्स से यू मेक लिनन क्लोज नाउ बट बिफोर वी गेट टू दैट जोशवा चैप्टर फाइव वर्स टेन

उसने उनको घर में रेहाब ने उनको घर में घर की छत पर चढ़ाकर क्या सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दी स्टॉक्स ऑफ़ फ्लैक्स फ्लैक्स और जो उस समय पक गया था ओवरकमर्स आर रेडी जय पाने के लिए कब उसी समय वेन टाइम हैज कम कि कनान में प्रवेश कर रहे हैं ओवरकमर्स आर रेडी एंड उनको वहीं छुपा दिया गया है वो दो जासूस को वहीं छुपा दिया गया है नो no? सो so, परमेश्वर हम लोग को भी परमेश्वर हम लोग को भी बोलते हैं कि मैं तुम लोग को छुपाऊंगा प्रीसली गारमेंट्स में क्योंकि प्रीसली गारमेंट्स क्या से बना जाता है लिनन और लिनन क्या से बनता है सन क्या यही सन जब पकता है तो राइट एंड गॉड से इसकी मैं अपने लोगों को प्रीसली गारमेंट्स में छुपा दूंगा प्रीसली गारमेंट्स में छुपा दूंगा जै जस्ट रिड्यूस दम्प्लीफायर वॉल्यूम थोड़ा सा ओके पीसली गारमेंट्स में परमेश्वर छुपा देंगे मोर रिड्यूस इट मोर बिकॉज दिस इज क्वाइट लाउड इसको जस्ट रिड्यूस इट हाँ एम्प्लीफायर को ओके फॉर हिम अच्छा ठीक है परमेश्वर हम लोग को भी बोलते हैं कि जो प्रीस्ली लाइफ क्या है प्रीस्ली लाइफ यानी कि कॉन्सेक्रेटेड लाइफ जो लोग परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं गॉट इट जो लोग परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं प्रकाशित वाक्य का 19 का 8 में लिखा हुआ है और क्यों, उस हुँ. और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का पवित्र लोगों के धर्म के काम है ये धर्म के काम जो आज्ञाकारिता के काम है क्योंकि विश्वास का आज्ञाकारिता और धर्मी जन विश्वास से चलेंगे इसमें एक विश्वासी को दुल्हन को छुपाया जाएगा जैसे उन ओवरकमिंग विश्वासियों को छुपाया गया था उन जासूसों को छुपाया गया था वैसे ही ये आज्ञाकारिता के कामों में हमें छुपा दिया जाएगा परमेश्वर हमें छुपा के रखेंगे प्रीसली गारमेंट्स में ओके सिर्फ जयवंत लोगों को क्योंकि प्रीस्ट वो व्यक्ति था जो पूरी तरह से अलग कर दिया गया था उसके लाइफ में पवित्रीकरण और शुद्धिकरण हुआ था क्यों क्योंकि परमेश्वर उसको चुनने वाले हैं मंदिर में काम करने के लिए बाकी के लोग बाहरी आंगन में रहेंगे लेकिन मंदिर में नहीं उनको परमिशन मिला है सिर्फ याजक को मंदिर के लिए परमिशन मिला है और उसको उन और याजकों को बोला गया है कि तुम्हारा वस्त्र तुम्हारा सिर पे भी पगड़ी रहेगा तुम्हारा सिर पे भी टोपी रहेगा और तुम पूरे एकदम पैर पैर तक तुम्हारा वस्त्र तुमको कवर करके रहेगा कि याजक का मनुष्य का नंगापन नहीं प्रकट हो याजक वैसा रहता है जब लिखा हुआ है ना कि हारून का सिर से लेके उसके वस्त्र के छोर तक मतलब पूरा पैर तक ढका हुआ है वो व्यक्ति पैर तक ढका हुआ है वो व्यक्ति वैसा परमेश्वर हम लोग को छुपा देंगे वैसे ही जैसे जासूसों को छुपा दिया गया था ओवरकमिंग बिलीवर्स को छुपा दिया गया था और हम लोग बोलते हैं ना कि मैं मसीह में छुपा हूं मैं लहू में छुपा हूं शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा एंड शैतान उन जेरिको के जो भी सिपाही लोग आए थे कुछ नहीं बिगाड़ पाए उनका एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि जो और सन एक ही समय में पकते हैं क्यों क्योंकि ओवरकमिंग बिलीवर्स ही प्रीस बनेंगे परमेश्वर के याजक बनेंगे जो यहां पे जो पृथ्वी में जय पाएंगे स्वर्ग में याजक बनेंगे प्रकाशित वाक्य का तीन का लेट इट बी रीडिंग तीन का बारा बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटलीस्टर्बेंस टीचिंग के बीच में ओके सो यू कैन रिड्यूस दिस हाँ तीन का बारा जो जैप आए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्बा बनाऊंगा और फिर वह कभी बाहर नहीं निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर के नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पासवर्ग में से उतरने वाला है अपना नया नाम उस पर लिखूंगा यू गॉट इट तो कौन बनेगा वो व्यक्ति जो परमेश्वर का मंदिर से कभी नहीं निकाला जाएगा वो जो प्रीसली गारमेंट्स में है और याजक को वो पहनने के लिए उसको कॉन्सिक्रेशन का जरूरत था वो अलगाव का जरूरत था सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है देखिए नॉलेज तो परमेश्वर सारा इज़राइल को सेम नॉलेज दिए थे याद रखिए जो व्यवस्था का पुस्तक था वो एक सीक्रेट पुस्तक नहीं था जो सिर्फ लेवी ही जानता है वो व्यवस्था सबके लिए पूरा इसराइल के लिए पढ़ा जाता तो लेवियों को कोई खास ज्ञान नहीं दिया जा रहा था लेकिन उनका पवित्रीकरण खास था एंड इसीलिए जो अपने लाइफ में वो खास पवित्रीकरण लाएंगे वो एंड इट इट इज़ फनी आज भी हमको एक मैसेज आया क्योंकि बहुत बार लोग को लगता है पवित्रीकरण बाहरी चीज़ है पवित्रीकरण बाहरी चीज़ नहीं है आज भी मुझे एक एक मैसेज भेजा कि एक एक व्यक्ति हैं वो एक मिनिस्ट्री को छोड़े हैं एंड वो एक दूसरा मिनिस्ट्री ज्वाइन करने मांगते हैं लेकिन वो, ज, 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 वो किस तरीक़ा से बात किए हम बता रहे वो बोल रहे थे कि मैं एक स्परिचुअल जॉब करना चाहता हूँ जॉब स्पिरिचुअल नहीं है आदमी स्पिरिचुअल होता है कोई ऐसा चीज नहीं है जो स्पिरिचुअल जॉब है आत्मिक नौकरी जैसे कुछ नहीं है व्यक्ति आत्मिक है और वो जो काम करेगा वो जो नौकरी करेगा अगर व्यक्ति आत्मिक है तो नौकरी आत्मिक हुआ नहीं तो नहीं समझे लेकिन हम लोग आज 2000 साल हो गया है नया नियम का लेकिन हम लोग में क्या गलत फहमी है कि मैं आत्मिक नौकरी कर रहा हूं मैंने एक आत्मिक नौकरी छोड़ा है लेकिन क्योंकि मैं आत्मिक नौकरी पे हाथ लगा चुका हूं तो मुझे आत्मिक नौकरी करते रहना है एंड दैट इज वॉट पीपल कंसिडर फुल टाइम मिनिस्ट्री तब तो नरक में बहुत लोग रहेंगे जिन्होंने आत्मिक नौकरी किया एंड <laughs> वर्ल्ड में आई थिंक टॉप टेन दुष्ट लोगों में से एक व्यक्ति जरूर है जो इटली में बैठा हुआ है जो बहुत ही आत्मिक नौकरी कर रहा है लेकिन वो आत्मिक नहीं है सो so, आत्मिक नौकरी जैसा कोई चीज नहीं होता एंड ये गलत है व्यक्ति आत्मिक हो सकता है यू गॉट इट एंड अगर हम लोग वो जो के रोटी जैसे हैं ओवरकमिंग बिलीवर्स है अगर हम लोग में वो क्वालिटीज है जो जौ में है तब परमेश्वर बोलेंगे तब तुम स्वर्ग में यू विल बी द फ्लैक्स यानी कि वो लिनन के वस्त्र में तुम्हें दूंगा तुम दुल्हन रहोगे तुम याजक रहोगे दैट इज वॉट गॉड इज मेकिंग ऑफ अस ओके नाउ गिनती का तेरह का तेईस हम लोग जौ के बारे देखें हम लोग जौ के बारे में फिर से बाद में देखेंगे जौ के बारे देखें और हम लोग गेहूं के बारे भी देखें कि गेहूं वीट वीट कब पकता है पेंटिकॉस के दिन पेंटिकोस के समय में नॉट दिन पेंटिकॉस के समय में पचास दिन छोड़ना है फसा पर से पचास दिन छोड़िए तब तक उस बीच में गेहूँ पकता है क्योंकि उस बीच में बारिश होता है उस बीच में बारिश होता है और गेहूँ पकता है एंड इसीलिए पेंटिकोस के समय में तीन हजार विश्वासी ऐड हो गए थे कलीसिया में बहुत बड़ा कटनी हुआ था वो क्या का कटनी था गेहूं का कटनी था ओके जौ का कटनी नहीं था डोंट थिंक ऑल दस थ्री थाउजेंड ओवरकमिंग बिलीवर्स नहीं जो पहले से पक गए थे कौन लोग पहले से पक गए थे एक सौ बीस लोग वो लोग जौ थे जो लोग पवित्र आत्मा को पाए लेकिन कटनी उस दिन किसका वो एक सौ बीस तो बहुत पहले से ही विश्वासी थे लेकिन वो तीन हजार जो बचाए गए वो थे वो गेहूं जिसका कटनी हुआ जो उस समय पके लेकिन ये 120 बहुत पहले से पके हुए थे एंड उनके लिए था पवित्र आत्मा को ऊंडेला जाना okay? समझ रहे हैं तो वो जव के विश्वासी थे वो एक सौ बीस और बाकी तीन हजार इट वॉज बिलीवर्स ओके उसके बाद वी पीपल कैन ग्रो दैट्स नॉट टू से वो लोग कभी बढ़े नहीं दैट्स नॉट एम नाउ गिनती का तेरह का तेईस में देखिए यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं जब मूसा ने विश्व जासूसों को भेजा था मूसा ने बारह जासूस को भेजा दो ने बारह जासूस को भेजा था राइट एंड वो लोग आए एंड वो लोग जब वापस आए तो मूसा ने कहा कि कुछ सबूत लेके आओ सबूत को लेके आओ राइट तब वो एशकोल नाम नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और दो मनुष्य एक लाठी पर लटकाए हुए थे और वे उठा ले चले गए और वे अनार और अंजीरों को भी कुछ कुछ ले आए ना देखिए क्या क्या पक गया है अंगूर पक गया है अंगूर क्या है जजमेंट मतलब परमेश्वर गॉड इज रेडी टू पोर आउट हिज रॉथ ऑन द जेंटाइल्स अनबिलीवर्स के ऊपर दिस इज अ साइन जाओ जाओ एंड फिग्स फिग्स इज अ सिंबल ऑफ इजराइल फिक्स लास्ट डे फिक्स के बारे में परमेश्वर बोले हैं कि जब तुम देखोगे कि अंजूर अंजीर का जो वृक्ष है वो फलने फूलने लगे यानी कि इसराइल फिर से फॉर्म होगा तो अंजीर हमेशा दिखाता है इसराइल के बारे में एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं देखो दाक ऑलरेडी पक गया है एंड ये सबूत है वो लोग सबूत को लेके आए कि दो लोग दाग को उठा के आ रहे हैं दाग के एक गुच्छा को उठा के आ रहे हैं वचन में लिखा हुआ है एक हजार को और दो दस हजार को निकालेगा एंड यहां पे अंगूर इतना बड़ा बड़ा अंगूर जब परमेश्वर दिखा रहे हैं देखो ये लोग कितना पक गए हैं क्या के लिए मेरा जजमेंट के लिए जाओ लेकिन वो लोग उस समय क्या किए वो लोग बलवा की और बोले हम लोग नहीं जाएंगे जबकि परमेश्वर बोल रहे हैं देखो अंजीर का समय आ गया है अंजीर का समय आ गया है इसराइल को ब्लूम और ब्लॉसम करने का समय आ गया है और डाक यानी कि जो अन बिलीवर्स है उनका जजमेंट का समय आ गया है दे डिड नॉट बिलीव और वो लोग पीछे हट गए वो लोग पीछे हट गए पॉम ग्रेनेट बेसिकली अनार ये याचकों का वस्त्र का छोर में वो सब डिजाइन बनाया जाता था इट वॉज टू रिमाइंड नेम स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे साथ है स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे साथ है अनबिलीवर्स परमेश्वर अभी जजमेंट ऊंडेलने वाले हैं जाओ जाके ले लो जाओ जाके वो जगह को ले लो बट टूडे वी आर लुकिंग एट बार्ली वाइट बिकॉज गिदौन वो बार्ली केक है वो जओ का रोटी है शुरुआत में वो भी गेहूं था लेकिन अब वो जौ का रोटी बन गया है ना बार्ली एक हार्डी प्लांट है हार्डी प्लांट इज़ बेसिकली जो बहुत मुश्किल टेम्परेचर्स में भी बहुत ही डिफ़िकल्ट टेम्परेचर्स में भी सर्वाइव कर सकता है टिक सकता है ओके okay, बार्ली इज़ अ हार्डी प्लांट यानी कि आकाल के समय में और बहुत गर्मी और बहुत ठंड के समय में भी जौ का जो प्लांट है वो पौधा टिक सकता है एंड बाइबल बताता है कि बहुत बार आकाल आता है विश्वासी के जिंदगी में बाइबल देर आर नंबर ऑफ जो मैं बाइबल में बार्ली बिलीवर्स वो विश्वासी हैं जिनको लेटर का जरूरत नहीं है जिंदा होने के लिए समझे वीट को लेटर का जरूरत है गेहूं को अंत का बारिश का जरूरत है जिंदा रहने के लिए जौ जो को जरूरत नहीं है बेसिकली क्या जौ बिना रिवाइवल का भी पक जाता है ये जौ के रोटी वो पक्के कच्चे नहीं पक्के विश्वासी हैं जिनको रिवाइवल का जरूरत नहीं है पकने के लिए वो बुरे से बुरा कंडीशन में भी पकते हैं बहुत ज्यादा टेम्पटेशन हो तो भी पकते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो भी पकते हैं वो रिवाइवल के समय में गेहूं पकता है गेहूं को जरूरत है रिवाइवल का और अगर बारिश नहीं हुआ तो गेहूं नहीं रहेगा अकाल अकाल 400 साल के लिए बारिश नहीं हुआ 400 साल के लिए आत्मिक बारिश नहीं हुआ 400 साल के लिए आत्मिक अकाल था वचन का दो तो गेह पका ही नहीं लेकिन दो लोग जौ के रोटी थे ऐना और सिमियन हम लोग देखते हैं मती में ऐना और सिमियन जौ के रोटी थे क्यों 400 साल रिवाइवल नहीं हुआ है 400 साल कोई प्रोफेटिक वॉइस नेशनल प्रोफेटिक वॉइस कुछ नहीं है 400 साल में शैतान तो काम कर रहे हैं फरीसी लोग आ गए हैं आ गए हैं प्रिस्टूड है, है, है दो ठो हाई प्रीस्ट है रोमन्स गए हैं ये सब कुछ चल रहा है 400 साल में लेकिन जौ के रोटी दो लोग टिके हुए हैं बाकी कोई नहीं टिक पाया, वो वो ओवरकमिंग बिलीवर्स थे उन उस जनरेशन में उस पीढ़ी में बाकियों को क्या का जरूरत है और हम लोग को जरूरत है कि यीशु मसीह आए मेरिकल्स करे हम लोग को जरूरत है जॉन द बैप्टिस्ट आए प्रचार करना शुरू करे ये दोनों को ना तो यीशु मसीह का आगमन का ना तो जॉन द बैप्टिस्ट का आगमन का जरूरत था ये लोग तब तक यीशु मसीह का जन्म होने तक भी वो लोग टिके हुए थे कैसे क्योंकि वो लोग जौ के रोटी थे वो लोग ओवर कमर्स थे दे आर अ टाइप ऑफ जौ का फसल जिसको वो बारिश का ज़रूरत नहीं है वो लोग बने रह सकते इट्स नॉट कि वो लोग शरीर में चल रहे हैं इट्स कि वो लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हैं उनको हमेशा रिवाइवल मीटिंग्स का जरूरत नहीं होता उनको हमेशा जरूरत नहीं कि लोग आके हाथ रहे दे कैन वॉक विद द लॉर्ड ये सब रहे तो अच्छा है लेकिन उसके बिना भी क्यों वो लोग लो कॉन्सेक्रेटेड एंड फेथफुल हैं ये लोग हमेशा अपने आप को अलग रख रहे हैं परमेश्वर के लिए दूसरा बारिश आ, आने के पहले ही जव पक जाता है एंड जब बारिश नहीं रहता है तो गेहूं नहीं पकता है और जब गेहूं नहीं पकता है जो इसराइल जो इसराइल का पहला पीढ़ी जो वन प्रदेश से निकले थे हम लोग वैसा बन जाते हैं निर्गमन का खतरा का साथ बारिश नहीं हो रहा है वन प्रदेश में है एंड वो लोग कहते हैं तब मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा क्योंकि इसराइलियों ने वहाँ विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा कह यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं मतलब अगर रिवाइवल नहीं हो रहा है मिरिकल्स नहीं हो रहा है ब्रेक थ्रूज नहीं हो रहा है ब्लेसिंग नहीं हो रहा है तो क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं प्रभु आप कहाँ हैं अगर आपके मुँह से बार बार निकलता है प्रभु आप कहाँ हैं प्रभु आप कहाँ हैं प्रभु आप कहाँ हैं मतलब आप कौन सा स्टेज में हैं वीट गेहूँ स्टेज में शायद आप प्रभु में बस एक या दो साल रहे हैं अरे रह बोले नहीं मैं मैंने कभी नहीं कहा यह हुआ हमारे बीच में है या नहीं थोड़ा सा एक दो साल और रुक जाइए बाइबल में लिखा हुआ है तीन चार साल के बाद परमेश्वर टेस्टिंग शुरू करते हैं एंड तब यूजुअली लाइफ में बहुत बार बिलीवर्स बोलते हैं प्रभु आप कहाँ गए प्रभु आपका ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ गुस्सा में आता है जब हम लोग परमेश्वर से उल्टा जवाब करने लगते हैं एंड दैट इज़ द टाइम एक्चुअली हम लोग को जाँचना है प्रभु क्या मैं जौ बन चुका हूँ जौ के जैसा मैं बना हूँ या अभी भी मैं गेहूँ हूँ क्या अभी मैं भी मैं जस्ट बिलीवर हूँ या मैं ओवरकमर मटेरियल मेरे अंदर है ओवरकमर्स जो तत्व से बने हुए हैं क्या मैं क्या मेरे अंदर वो तत्व है या नहीं हाँ तेरा बार बाइबल में लिखा हुआ है कि अकाल आया टाइम्स ओके नाउ उनमें से एक बार एलिशा के समय में भी अकाल दूसरा राजाओं का चार का अड़तीस से बयालीस तक थर्टी एट टू फोर्टी टू तब एलिशा ने गिलगाल लौट गया उस समय देश में अकाल आए और भविष्यवक्ताओं के चेलों के सामने उसके सामने बैठे हुए थे और उसने उस अपने सेवक से कहा हंडी चढ़ा और भविष्यवक्ताओं के चेलाओं के लिए मतलब बेसिकली यंग प्रॉफेट्स जो बाइबल स्कूल में हैं ठीक है ठीके? उनके लिए कुछ पकाओ एलिशा बोल रहे हो कुछ पकाओ विश्वास करो कुछ पकाओ ओके तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया ना याद रखिए अकाल का समय ठीक है तो यंग प्रॉफिट जाते हैं कुछ पकाने के लिए तो कोई जंगली लता पाकर अपने अंकवार में उसको तोड़ लाया और तब पकाने लगा ओके और लोग उसको और वो पहचानते नहीं थे कि क्या उसको वो लोग पहचाने नहीं थे डिसन नहीं कहते कि ये क्या पका रहा है ओके तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के समय हंडी में से उस परोसा खाते समय वे चिल्ला कर बोल उठे हे परमेश्वर के भक्त हंडी में पॉइजन है जहर है और वो उसे ना खा सके आत्मिक अकाल के समय में जंगली चीज बहुत उगता है ओके okay. जस्ट क्योंकि रिवाइवल्स मेरिकल्स ब्रेक थ्रूज ब्लेसिंग्स बहुत ही ज़्यादा घंटा घंटा में नहीं हर एक सर्विस में नहीं हो रहा है डजेंट मीन शैतान अपना डॉक्ट्रिन सब नहीं फैलाता है डज इन मीन शैतान अपना टेम्पटेशन सब नहीं बढ़ाता है शैतान बहुत सारा टेम्पटेशन बढ़ाता है शैतान बहुत सारा फॉल्स डॉक्टर बढ़ाता है एंड प्रॉब्लम है यहाँ पे अच्छा रोटी खाने के पहले ही न्यू बिलीवर्स एंड न्यू प्रॉफिट्स जो हैं जो बाइबल कॉलेज ज्वाइन किए हैं वो लोग पहले ही क्या खा चुके हैं जहर खा चुके हैं बाइबल कॉलेज में क्या पकड़ा था जहर पकड़ा था वो लोग खुद जांचे नहीं कि क्या है पॉलूस बताता है लेट मी जस्ट फाइंड दैट वॉज फॉर यू तितुस का एक का ग्यारह का एक का ग्यारह इनका मुंह बंद करना चाहिए ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर को बिगाड़ते हैं टीचिंग थिंग्स विच दे ऑट नॉट ऐसा ऐसा शिक्षा दे रहे हैं जो वो लोग जानते भी नहीं है क्या है पहला टिमिथी का एक का साथ और व्यवस्था, व्यवस्थापक हो तो होने चाहते हैं मतलब शिक्षक होना चाहते हैं पर जो बातें वो कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते एकदम बोल्डनेस के साथ प्रचार कर रहे हैं उनको वह समझते भी नहीं ये लोग जो पका रहे थे उसका पहचान भी नहीं था उन लोग को अरे उठा लिए हैं कुछ साग खा सकते हैं एंड प्रचार करना शुरू पकाना शुरू क्या था वो जहर था एंड यहाँ पे बहुत लोग हैं जो शिक्षा करते हैं या वो व्यवस्थापक यानी कि शिक्षक होना चाहते हैं लेकिन उनको पहचान नहीं है उनको वचनों का पहचान नहीं है और बोलने कॉन्फिडेंस हंड्रेड परसेंट डिसनमेंट जीरो परसेंट देखिए क्या लिखा है दृढ़ता से बोलते हैं एकदम पुलपिट को एकदम मार मार के बोलते हैं बाइबल को उठा उठा के प्रचार करते हैं बोल्डनेस है इमोशनल बोल्डनेस है उनके प्रचार में क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम बोल्डली बोलेंगे तो करिज्मा करिज्म है लोग मानेंगे कन्विंसिंग पावर है उनमें वो कन्विंसिंग पावर है उनमें वो 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 तरीका है वो बोल्डनेस है वो सब कुछ है वो कॉन्फिडेंस है लेकिन पॉलूस कहता है एंड पॉलुस वैसा नहीं था पॉलुस बोलता है मैं जब तुम्हारे बीच में था तो मैं एकदम डर डर के तुम्हारे बीच में थर, -थर आते हुए तुम्हारे बीच में था वो दृढ़ता से नहीं बोलता था वो कमजोरी में आया वो कहता है कि मैं कमजोरी में तुम्हारे बीच में है लेकिन पॉलूस को पूरा समझ था कि वो क्या प्रचार करता है यू अंडरस्टैंड इसलिए डोंट जस्ट गो बाई द बोल्डनेस ऑफ द स्पीकर ये देखिए कि क्या बोल क्या रहा है वो बोल क्या रहा है वो उसको क्या कंपेयर कर सकते हैं इसीलिए बेरिया के लोग बहुत ही अच्छे थे समझदार लोग थे वो लोग नहीं देखते अरे बाप रे आज तो एकदम तहलका मचा दिया पोलोस ये तो ज़रूर सच वचन बोल रहा होगा ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है सच बोल रहा है क्यों वो लोग जाएंगे वो चाहे जितना भी उसका डिलीवरी जितना भी पावरफुल था सरमन का वो चीज़ नहीं देख रहे हैं वो लोग जाएंगे और कंपेयर करेंगे कि वो सही बोला या गलत दैट्स इट वचन से वो लोग कंपेयर करेंगे ये हम लोग को जरूरत है ये हम लोग को जरूरत है ओके okay, वापस दूसरे राजाओं में गो बैक टू वर्स फोर्टी ओके वर्स फोर्टी वन नेक्स्ट नेक्स्ट वर्स एलिशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा ले आओ तब उन्होंने उस हंडी में डालकर कहा उन लोगों के खाने के लिए परोस दे और फिर हंडी में कुछ हानि की वस्तु ना रही okay? Now, ये क्या चीज का फ्लावर था ये क्या चीज का फ्लावर था और कोई मनुष्य ने बालीसा से पहले उप, उपजे हुए जव की बीस रोटियां उस समय क्या चीज पक चुका था ऑलरेडी उपज चुका था उस समय जाओ जाओ दैट इज द फ्लावर विच दे आर गेटिंग दैट इज द फ्लावर विच दे आर गेटिंग दैट इज द पाउडर विच दे आर गेटिंग और जैसे वो डाला तब देखते हैं सब ठीक हो गया प्रॉब्लम इज कि बिना सही गॉस्पेल जाने हम लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जानते हैं बिना सही गॉस्पेल जाने हम लोग गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ जानते हैं कोई कोई लोग बिफोर दे रियलाइज गॉड का जनरल प्लान क्या है वो लोग गॉड का स्पेसिफिक प्लान जानने मांगते हैं कि मेरे लिए क्या है नहीं पवित्रीकरण वो सब तो सबके लिए है लेकिन मेरे लिए क्या है वो चीज़ को जानना चाहते हैं वो विशेष स्पेसिफिक प्लान जानना चाहते हैं एंड दैट बिकम्स द प्रॉब्लम क्योंकि जो भी परमेश्वर का स्पेसिफिक प्लान को जानने का कोशिश किया या जाना बिफोर डूइंग द जनरल विल ऑफ गॉड वो व्यक्ति का लाइफ वो व्यक्ति एक नंबर का फेलियर सैमसन आई एम कॉल्ड टू जज इसराइल हाँ लेकिन यू आर कॉल्ड टू बी होली ऑल्सो और वो पवित्र नहीं रहा तो जो लोग जनरल विल में सावधानी से नहीं चलते हैं लेकिन विशेष परमेश्वर का जो योजना है उसको जानना चाहते हैं जनरल विल से ज्यादा उस चीज में उतावली उस चीज में जिज्ञासा है यू विल बी अ फेलियर इन गॉड्स किंगडम भाई क्योंकि वो लोग नरक भी जा सकते हैं वो लोग नरक भी जा सकते हैं सिंपली क्योंकि जो जनरल परमेश्वर स्टैंडर्ड सबके लिए रखे हैं उसको वो लग रहा है कि नहीं मैं वो व्यवस्था मेरे लिए नहीं है वो वचन मेरे लिए नहीं है मैं उससे बड़ा हूँ दूसरे लोग उस चीज को माने लेकिन मैं चुना गया हूँ बड़े बड़े चीजों के लिए इसलिए वो सब मेरे लिए अप्लाई नहीं करता है सैमसंग को तो वही लगता था ना पेरेंट्स उसको बोले देखो तुमको कुछ भी मरा हुआ चीज़ को नहीं खाना है नहीं छूना है और वो छू रहा है वो मरा हुआ जानवर से मधु निकाल रहा है भाई वो रूल मेरे लिए अप्लाई नहीं करता है हमको मधु खाना है अरे लेकिन तुमको मरा हुआ जानवर को छूना पड़ रहा है और तुम तुम नासरी हो तुमको अलग कर दिया गया है नेजराइट वाओ तुमने लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स लिए हैं अरे वो लोग लिए वो लोग लिए का बात नहीं है तुम अपने नहीं हो नॉट माई लाइफ हम जैसा मेरा हम थोड़ी पवित्रीकरण कहते हैं, नहीं तुमको उसमें सरेंडर करना पड़ेगा को भी तो जैसे उसके अलग कर दिए थे वो क्या लड़ा अपने से? आप हमसे पूछे हमको सरेंडर करने के पहले नहीं मेरा जीवन है हम अपने अनुसार जाएंगे नहीं वो अलग हुआ वो अलग हुआ उस कॉन्सेक्रेशन के लिए डैनियल जैसा कॉन्सेक्रेशन याजक जैसा कॉन्सक्रेशन अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तब वी विल फेल द टेस्ट ऑफ फेथ एंड इसीलिए मोर एंड मोर यंग पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट विश्वास में खड़े रहने के लिए वो लोग थक जाते हैं गिर जाते हैं लेकिन बार्ली ओवरकमर्स जो है बाकी सब समय अकाल रहेगा सब जगह गलत चीज़ उपज रहा है ये लोग बने रहेंगे इब्रानियों का बारह का सात दूसरा टीमथी का दो का तीन यशाया का तीस का बीस तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, वही क्योंकि तुम चुने गए हो बारली विश्वासी बनने के लिए हार्डी प्लांट मतलब दुख का समय में अकाल का समय में भी बने रहो टिमेथी सेकेंड टिमेथी दो का तीन मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं मेरे साथ दुख उठाओ टीमथी अकाल के समय में भी बारली बने रहेगा पॉलूस क्या है जव की रोटी जैसा अकाल के समय में भी बना हुआ है यशाय का का बीस और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे सब जगह अकाल सब जगह लाइफ में किसीम किस्म का रोटी का प्रॉब्लम जल का प्रॉब्लम किस्म किस्म का प्रॉब्लम तो भी तुम्हारे उपदेशक तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपेंगे यानी कि परमेश्वर तुमको जौ का रोटी खिलाएगा बाकी सब चीज़ का अकाल हो जाएगा लेकिन जौ बना रहेगा परमेश्वर वो चीज़ तुमको खिलाते रहेगा डिफ़िकल्ट टाइम्स में ये रुषलम को बनाया गया था मुश्किल के समय में यरूशलेम को विपत्ति का समय यरूशलेम को बनाया जाएगा नहीं यरूशलेम को और ओवरकमर्स वो लोग हैं जो लोग मुश्किल के मुश्किल समय में भी यरूशलेम बनाते हैं गेहूं वो विश्वासी है जो लोग आसान समय में उन्नति का समय में यरूशलेम को बनाते हैं लेकिन जौ के विश्वासी वो विश्वासी हैं जो मुश्किल समय में यरूशलेम को बनाते हैं अगला चीज पहला राजाओं का चार का 28 और घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों यानी कि एकदम तेज भागने वाले घोड़ों के लिए ओके जव और पुआल जहां प्रयोजन पड़ता है वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था ओके नाउ एक्चुअली दूसरा वर्सेस में, में लिखा हुआ है दूसरा वर्जन में लिखा हुआ है रॉयल हॉर्सेस ओके नॉट जस्ट कोई भी घोड़ा लेकिन रॉयल हॉर्सेस के लिए और वो हॉर्सेस जहां पे जिन ऑफिसर्स थे ऑफिसर्स का हॉर्सेस के लिए जिनको तुरंत खबर पहुंचाना होता है वो घोड़ों के लिए क्या जरूरत था जव वो लोग जव खाते थे हम लोग देखें एक बार घोड़ा यानी कि वॉरफेयर परमेश्वर बता रहे हैं युद्ध And यहां पे रॉयल हॉर्सेस को क्या दिया जाता था जव यानी कि परमेश्वर अगर जव खिला रहे हैं गॉड इज सेइंग यू टू बी वो लोग जो लोग दौड़ेंगे थकेंगे नहीं चलेंगे हाफेंगे नहीं ये प्रॉमिस हम लोग में पूरा होने के लिए हम लोग को जौ का रोटी खाना पड़ेगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है कान का खुजली कान का खुजली क्या है बोर्ड बोर्डम बोर्डम कहाँ कहाँ हैं वर्सेस बाइबल में बोर हो जाते हैं कान का खुजली इज बोर्डम कि खरा उपदेश लगातार सह नहीं सकते हैं बीच में दूसरा चीज ऑन कर लेंगे तीसरा चीज ऑन कर लेंगे चौथा चीज ऑन कर लेंगे और वो एक घंटा का जो शरवन सुनना था दो घंटा का जो शरमन सुनना था जो आराम से सुन रहे थे वो दो घंटा का शरवन का बीच में और पांच छह वीडियो देख चुके हैं क्यों कान खुजला रहा था नहीं सह सकते हैं बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है नहीं सह सकते हैं हम लोग कैसे वो घोड़ा बनेंगे जिसके बारे प्रॉमिस लिखा हुआ है ऐजा में कि तुम दौड़ोगे और थकोगे नहीं अगर हम लोग सुनने में ही थक जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बोर हो जाते हैं परमेश्वर याद रखिए डैनियल लगातार तीन हफ्ता तक लॉ लगा के प्रार्थना करते, करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा हम लोग का पवित्रीकरण इट्स लाइक like, अगर हम लोग डैनियल के समय में रहते तो ठीक है हम नहीं खाएंगे ये सब ये चीज गलत है अगला दिन मेन्यू बदल गया शैतान क्या लाया चिली पोर्क कल ग्रेवी वाला पोर्क था हम नहीं खाए आज चिली पोर्क ड्राई वाला तो हमको पसंद है <laughs> खा लिया वैसा कॉन्सिक्रेशन नहीं चलेगा वो कॉन्सिक्रेशन का क्या मतलब है जहां पे कॉन्सेक्रेशन हमको अच्छा लगा वहां पे हम कॉन्सेक्रेटेड है जहां पे कॉन्सेक्रेशन हमको अच्छा नहीं लगा वहां हम कॉन्सेक्रेटेड नहीं है ग्रेवी वाला पोर्क नहीं खाएंगे चिली पोर्क खा लेंगे डैनियल का वैसा कॉन्सेक्रेशन नहीं था डैनियल का हंड्रेड परसेंट कॉन्सेक्रेशन था समझ रहे ना वैसा कॉन्सेक्रेशन था वैसा पवित्रीकरण था डैनियल का उसका मूड पे पेट के अनुसार कॉन्सेक्रेशन नहीं था परमेश्वर के अनुसार कॉन्सेक्रेशन था पवित्रीकरण वैसा रहना चाहिए मूड के अनुसार पेट के अनुसार नहीं बदलना है तभी परमेश्वर बोल रहे क्योंकि देखिए ये घोड़ा सब उसका उसको उसके लिए डाइट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है सिंपल वो घोड़ा नहीं डिसाइड कर सकता है कि उसको क्या खाना पसंद है दैट इज समिंग विच वी हैव टू रियलाइज हम लोग जब भी मेरे मन में आता है ना कि अरे भूख तो नहीं लग रहा है नहीं खाते हैं तुरंत मेरा माइंड हमको ट्रेन करा अब, अब ट्रेन हो गया है कि ये देखो काम करना है कि नहीं ओके घर का काम है तो ठीक है फास्टिंग कर सकते हैं क्योंकि घर का मतलब अगर हमको बस पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के लिए काफ़ी काफ़ी है पढ़ाई के लिए हमको उतना प्रोटीन डाइट खाने का जरूरत नहीं है पढ़ाई के लिए बस माइंड को एक्टिव रहना है लेकिन अगर हमको बाहर जाना है काम करना है बाहर का काम करना है तब माइंड इमिडिएटली बोलेगा तुमको खाने का मन नहीं भी है तो तो फिर भी खाओ भाई क्योंकि हम लोग को खाने मन कर रहा है नहीं मन कर रहा है मन के अनुसार नहीं खाना है मन के अनुसार खाना पीना मन के अनुसार काम नौकरी मन के अनुसार स्कूल जाना पढ़ाई करना ये सब कुछ नहीं बाइबल पढ़ना नहीं मन के अनुसार नहीं डिसिप्लिन 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 रहना है सब कुछ में कॉन्सेक्रेशन तब रहेगा तब हम लोग का लाइफ में कॉन्सेक्रेशन. याजक के लाइफ में याजक को ड्यूटीज दे दिया गया था हर दिन के लिए ड्यूटी था अपना लाइफ को देखिए पिछला दो तीन महीना क्या आपका लाइफ में एक मोनोटनी है या नहीं मोनोटनी यानी कि हर दिन वही चीज कर रहे हैं मोनोटनी एक बुरा शब्द है लेकिन मोनोटनी को अगर अच्छा शब्द देना है डिसिप्लिन और अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हम लोग याजक नहीं बन सकते हैं क्यों, क्योंकि याजक का सुबह से शाम तक उसको क्या क्या करना है वो दे चुके दे दिया गया है और लिखा हुआ है ऑलरेडी बाकी इसराइली जो मन चाहे कर सकते हैं पूरा दिन भर मतलब पाप मत करो बाकी लेकिन अगर कोई इसराइली डिसाइड के हम ये नहीं करेंगे वो नहीं, आज हम अपना शेड्यूल बदल दे रहे हैं वो बदल सकता है याजक नहीं बदल सकता है याजक के लिए उसका शेड्यूल लिख दिया गया है कि उसको क्या करना है हर दिन क्या आप उस तरीका से चलते हैं या इस तरीका से चलते आज हमको ये करने का मन कर रहा है आज हमको वो करने का क्योंकि अगर आप लगातार वैसा चल रहे हैं सन का वस्त्र आप पे नहीं आएगा सन का वस्त्र उस व्यक्ति पे अच्छा नहीं लगता है उस व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि जिस दिन परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने मांगते हैं जिस दिन उसका लाइफ में परमेश्वर बोलेंगे ये वो समय आ गया है फास्टिंग के लिए तब तक तैयार ही नहीं था क्या होगा अगर उस दिन उसको कहीं से महक मिल गया उस दिन वो जस्ट इमेजिन सातवीं सातवें तल्ला पे फास्टिंग प्रेयर के लिए आज हम डेडिकेट करते हैं फास्टिंग प्रेयर के लिए और नीचे रास्ता में ट्रिंग, ट्रिंग 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 करके पार हुआ क्रीम बेल आइसक्रीम या ठंग ठंग पार हुआ इमिडियटली कान उधर चल गया और अब कान जैसे अंडरस्टैंड किया वो आवाज़ को पेट से आवाज आने निकल गया चाहो नीचे जाओ कल कल से फोर्टी डेज शुरू कर देना कल से परसों से शुरू कर देना अच्छा से खा लो तब शुरू करना आप क्रिश्चियन हैं कैथलिक हैं मुस्लिम हैं क्या हैं क्योंकि वो लोग दे ऑल बिलीव कि हाँ अच्छा से खा लो तब फास्टिंग करना ही है क्योंकि आप शरीर को मार रहे हैं हम लोग का मेन गोल क्या है फास्टिंग हम लोग का मेन गोल है फास्टिंग के थ्रू शरीर को मारना है तो अगर आप शरीर को पूरा एंजॉय कर रहे हैं आज और कल से फास्टिंग शुरू करेंगे तो ऑलरेडी आप अपना आत्मा को कमजोर कर दे रहे हैं और शरीर को और तगड़ा कर दे रहे हैं कल और मुश्किल होगा अगर आप व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं तो यही रहेगा आपका फास्टिंग की फास्टिंग के एक दिन पहले एकदम टूट के खाओ और अगर आत्मा के अनुसार फास्टिंग करते हैं तब आप जान रहे हैं कि आपका मेन मेन गोल क्या है आत्मा को तगड़ा करना है और शरीर को कमजोर करना है तो आज टूट के खाओ कल से फास्टिंग करेंगे नहीं चलता है लेकिन आत्मिक मन के ही में वो ये विचार काम करेगा अगर हम लोग शरीर के अनुसार चल रहे तो ये सब विचार हम लोग के अंदर नहीं आएगा वाला पिक्चर जो हम लोग देखे जिसमें अलग अलग फिश था बार्ली हार्वेस्ट का 49 गो टू लेविटिकस 23 वर्स 15 एंड 16 बार्ली हार्वेस्ट का 49 डेज के बाद में ओके? Okay. फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से अथार्थ यानी कि जब जब ये बार्ली हार्वेस्ट जब जौ का फसल का वो जो फसा पर्व हो चुका है ठीक है फसा पर्व हो चुका है उसके दूसरे दिन से अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट हिलाई जाने वाली भेंट यानी कि फर्स्ट फ्रूट्स फर्स्ट फ्रूट अगेन फर्स्ट फ्रूट जो पहला फल जो चढ़ाया जाता था वो था जौ का क्योंकि साल में पहला फल क्या था जौ पकता था हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को, को लाओ उस दिन से पूरे सात विश्राम दिन गिनना यानी कि फोर्टी नाइन डेज ओके okay? पास ओवर का नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा तुम्हारा वो हिलाना वो हिलाने वाली भेंट यानी कि फर्स्ट फ्रूट्स जो जौ का फसल तुमको मिला है उसको लो परमेश्वर के सामने चढ़ाओ फर्स्ट फ्रूट परमेश्वर को चढ़ाओ ओके और उस दिन से सात विश्राम दिन यानी कि सेवन वीक्स यानी कि फोर्टी नाइन डेज गिनना एंड सिक्सटीन सातवें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक पचास दिन गिनना और पचासवें दिन यह के लिए नया अनबली चढ़ाना क्यों नया अनबली क्यों क्योंकि अब ये पचास दिन में जव के बाद गेहूं पक गया है तो नया अन्न कौन सा चीज है गेहूं तो न्यू ग्रेन ऑफ़रिंग चढ़ाना। ओके। यह पचास दिन के बीच में इसराइलियों को बोला गया था वर्ष टेन में परमेश्वर के लिए इसराइलियों को कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यह तुम्हें देता है याद रखिए वो लोग फंसा पर्व के समय में प्रवेश किए उसमें भेंट उसमें उसमें के खेत काटो ओके यानी कि जौ का फल लगा जव उस समय पक गया था वो खेत को काटो तब अपने अपने पके खेत का पहले उपज का फूला याजक के पास लाया करना क्या चीज वो लोग को पहले ऑफर करना है जव क्योंकि वो लोग फसा पर्व के समय प्रवेश कर रहे हैं ओके नौ पिछला साल खत्म हुआ है पिछला साल का फसल खत्म हो गया है न्यू ग्रेन जस्ट अभी आया है यानी कि जव अभी अभी पका है एंड परमेश्वर बोल रहे हैं कि जब तुमको जब जव पका है फर्स्ट फ्रूट आया है तब पहले परमेश्वर को दो पहले पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ वर्स फोर्टीन और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले आओ उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना ना भुना हुआ अन्न ना हरी बाले यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सारे घरानों सारे, घरा, सारे घरानों में सदा की विधि ठहरेगी पिछला साल का उपज खत्म हो गया नया साल का उपज आया है नया साल का उपज में कुछ भी मत खाओ सबसे पहले परमेश्वर के लिए कल एक दुकान में थे एंड हम लोग के बाद बाद एक दूसरा कस्टमर आया एंड वो कस्टमर देखा कि टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग लाइन में में पहले थे तो वो दुकान वालों को कहा कि आधे घंटे एक घंटा के बाद आए साढ़े आठ बजे तक हाँ ये ना ये ना नौ बजे तक आपका दुकान खुला है क्या हाँ हाँ हाँ, हाँ खुला है देखिए हम आएंगे हाँ खुला रखिएगा हम नौ बजे आसपास आ जाएंगे दुकान वाला बोला कि आप टेंशन मत लीजिए जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे कॉमर्स में बोला जाता है कस्टमर फर्स्ट बाइबल में बोला गया है बाइबल फर्स्ट वो क्या बोला हम खाना भी नहीं खाएंगे जब तक आप नहीं आएंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है तुम नए ऊपर से खाना भी मत खाना जब तक पहले परमेश्वर को नहीं दियो। वो कस्टमर फर्स्ट को एनेक्ट कर रहा है हम लोग को बोला गया है गॉड फर्स्ट को एनेक्ट करो कैन वी लिव लाइक दैट अभी अभी आया है चलो सब बाकी पेमेंट्स कर लेते हैं नो no. सबसे पहले परमेश्वर को सबसे पहले परमेश्वर को अपने आप को और अपना सब कुछ लॉर्ड फर्स्ट आपको चाहे वो दिन हो चाहे वो कमाई हो सब कुछ लॉर्ड पहले आपके लिए याद रखिए सब विश्वासी नहीं जौ क्या फल जो जौ तत्व का विश्वासी जो बने हुए हैं जो वो क्वालिटी के हैं वो लोग इस पवित्रीकरण में चलते हैं लॉर्ड आप मेरे जिंदगी में पहला स्थान आते हैं ये बस इमोशनल गाना नहीं है तू मेरा पहला प्यार है और तब एक्चुअली जब उनका दिन शुरुआत होता है तो लास्ट में रखते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। ये जव के विश्वासी हैं जो अपना लाइफ में ये कॉन्सेंट्रेशन ये पवित्रीकरण रखे हैं कि वो परमेश्वर को पहला स्थान दिए हैं जौ का फल का जब जब जौ जब पक, सॉरी जौ जब पक जाता था तो उसे याजक के सामने लाना पड़ता था एक मेमना के साथ लेविटिकस का वही ट्वेंटी नाइन सॉरी ट्वेंटी थ्री 9 नाइन ऑनवर्ड्स अच्छा आई थिंक वी हैव वर्स 10 तक तो वर्स uh, वर्स uh, पढ़ चुके हैं तक पढ़ चुके हैं। तो uh, 11 से पढ़ना इलेवन से आगे जाना हम पढ़ेंगे और वह उस फूले फूले को यहोवा के सामने हिलाए वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाएगा और वह विश्राम दिन के दूसरा दिन हिलाए नेक्स्ट और जिस दिन तुम फूले हिलाओ उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बली चढ़ाना फर्स्ट फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग जब चढ़ा रहे हो साथ साथ मेमना यानी कि लॉर्ड नॉट जस्ट मैं अपना अचीवमेंट का पहला हिस्सा ला रहा हूँ लॉर्ड आई एम कमिंग बाई द ब्लड मैं यीशु मसीह का लहू के द्वारा ही प्रवेश कर रहा हूँ कॉन्सेक्रेशन ये, ये विश्वास था ये ओवरकमर्स का जिनका ऐसा पवित्रीकरण है ओके नाउ अस सी व्हाट हैपेंस जब एक विश्वासी जो के जैसे अपने आप को अलग करता है प्रभु के लिए यो ना का छे का नो यहां एक लड़का है जिसके पास पांच जौ की सॉरी जौ की पांच रोटी और दो मछलियां हैं परंतु इतने लोगों में क्या है आप देखे थे कि वो रोटी जिसको परमेश्वर मल्टीप्लाई किए वो क्या का था जौ का रोटी था नाउ वी नो गॉड इन हिस्स पावर कोई भी किसी का रोटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट क्यों दिया हुआ है बाइबल में ये सब बाइबल में इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं ओवरकमर्स जब अपने आप को मेरे हाथ में सौंपते हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन्हीं को हम आशीष का कारण बना सकते हैं उन्हीं को जो लोग कॉन्सेक्रेटेड हैं, जो लोग लाइफ में अलगाव है उन्हीं को हम आशीष का कारण बना सकते हैं ये सब चीज पर हम लोग यूजली ध्यान नहीं देते हैं एंड यहां पर ये लड़का अपना जाओ का रोटी यीशु मसीह को दे रहा है एजिकल का चवालीस का तीस फोर्टी फोर वर्स थर्टी और उसके बाद वापस यो न में आएंगे और सब प्रकार की सब की पहली उपज सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठा कर चढ़ाओ को, को मिला करे और नए अन्न का पहला गुदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो में लिखा हुआ है ले व्यवस्था में लिखा हुआ है और वो छोटा सा लड़का जिसके पास चेलो इतना ज्ञान नहीं है चेलो इतना डिसाइपलशिप नहीं है लेकिन क्या चीज है परमेश्वर को पहले रखेंगे वो क्या कर रहा है जौ का रोटी याजक को दे रहा है यीशु मसीह को महायाजक को दे दिया एंड पांच हजार लोग से भी अधिक लोग को आशीष मिला जौ का रोटी कभी का खत्म होगा नहीं योना का, का ग्यारह और बारह जौ का रोटी उस जलता हुआ झाड़ी जैसा है कभी भसम नहीं होगा जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा तब यीशु ने रोटियां ली धन क्यों महायाजक के पास आ गया वो रोटी रोटी ली धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितने वो चाहते थे बांट दिया बस ट्वेल्व सब खाए संतुष्ट हुए जब वे खाकर तृप्त हुए तब उन्होंने चेलों को कहा कि ए, 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 चेलों से कहा जो बचा हुआ है उसको भी बटोर लो जाओ का रोटी वो क्वालिटी जब हम लोग में आ जाएगा ना तो हम लोग दाऊद कि वो दो सौ थके हुए विश्वासी नहीं रहेंगे याद है युद्ध सामने में है लेकिन ये लोग थक गए दो सौ दो सौ सिपाही थक गए हम लोग बसोर को हम लोग पार नहीं कर पाएंगे हम लोग थक गए हैं मौसम बदल गया ये लोग का कॉन्सक्रेशन बदल गया जो के विश्वासी वैसा नहीं है जो के विश्वासी का कॉन्सेक्रेशन कभी नहीं बदलता है मूड स्विंग इमोशंस मौसम बदल रहा है आज ये कल वो वो लोग सरप्राइज पैकेज नहीं है नो you गूगल know, पे लोग सब सरप्राइज पैकेज देते हैं अरे यू वन स्क्रैच कार्ड अरे यू डिड नॉट विन एनी टाइम ये सब चीज होते रहता है अमेजोन पे और गूगल पे में जो कि विश्वासी वैसा सरप्राइज पैकेज नहीं है वो लोग का कमिटमेंट हमेशा है हमेशा है उनका कमिटमेंट डू वी लिव बाई दिस प्रिंसिपल क्योंकि परमेश्वर बारले ओवरकमर्स को इस्तेमाल करेंगे बहुत लोगों को तृप्त करने के लिए यह ये प्रिंसिपल ये सिद्धांत क्या है लॉर्ड कॉन्सेक्रेशन फर्स्ट कंजम्पशन लेटर कंजम्पशन यानी कि खाना पीना कॉन्सेक्रेशन यानी कि अलगाव परमेश्वर के प्रति अलग लॉर्ड परमेश्वर के प्रति अलगाव पहले खाना पीना बाद में इलाइजा ने यह को कहा तुम जिस चीज के लिए तुमने अपने आप को अलग किया है तुम जाओ वो करो जिस चीज के लिए मैंने अपने आप को अलग किया है मैं वो जा रहा हूं करने के लिए एहब ने अपने आप को क्या के लिए अलग किया था खाने पीने के लिए अलग किया था वो क्या के लिए गया खाने पीने के लिए गया एलाइजा ने अपने आप को क्या के लिए अलग किया था उपवास प्रार्थना करने के लिए और वो उपवास प्रार्थना करने के लिए गया इज इसाक जौ जैसा विश्वासी था और फाइनली गेहूं जैसा बन गया ईसा क्योंकि ईसाक कैसा सरेंडर्ड आदमी था उसका पिता ने उसे बांध दिया वेदी पर डाल दिया और वो कुछ नहीं बोला लेकिन उसके बाद जब वो बूढ़ा हो गया है ईसा को आशीष देने मांग रहा है क्यों उसको उसका खाना पसंद है उसका पकाया उसका डियर डियर मीट उसको पसंद है एंड इसीलिए वो अंत जब होता है वो जयवंत नहीं है इसाक का शुरुआत का साल से हम लोग सीखते हैं शिक्षा पाते हैं इंस्पिरेशन वो हम लोग को प्रेरणा देता है लेकिन उसके अंत के जो वर्ष थे उससे कोई भी प्रेरणा नहीं पाता है डोंट स्टार्ट गुड एंड एंड मतलब कैन यू इमेजिन स्वर्ग जाएगा मेरा क्राउन कहा जीजस मेरा क्राउन कहा नहीं तुमको नहीं मिलेगा क्यों देखो वो हंडी दिखाई दे रहा है उसमें डियर मीट है जाओ खाओ उसको अपना पेट के लिए तुम्हारा पेट के लिए तुमको वो आशीष तुम, तुमको वो मुकुट नहीं मिलेगा कैंसल्ड जो कुछ भी संसार में है आंखों का डिजायर्स और शरीर का डिजायर शरीर का अभिलाषा आई एम नॉट सही कि आपको जिंदगी भर फास्टिंग करना है नहीं बट सब कुछ में डिसिप्लिन जो खिलाड़ी है वो सब बातों में संयमी है सब कुछ में डिसिप्लिन है सब कुछ में डिसिप्लिन है क्यों जौ का रोटी हार्डी हार्डी प्लांट सब टाइम वो उगेगा कोई भी चीज अकाल के समय में भी आप भरोसा कर सकते हैं कि जब रहेगा तो सिद्धांत क्या है कॉन्सेक्रेशन फर्स्ट consumption लेटर खाना पीना बाद में पहले परमेश्वर के प्रति अलगाव गेहूं का जो विश्वासी रहता है वो अपने प्रभु आपने मती का साथ का साथ में कहा है मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा मैं मांगा आप क्यों नहीं दिए आप क्यों नहीं दिए जो गेहूं वाला विश्वास ही रहता है उनके माइंड में कोई कोई वर्सेस जो उनके कानों का खुजली को मिटाता है जो फील गुड वर्सेस है बहुत पसंद है लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना दिया जाएगा विल बी गिवेन एन टू यू एक और वर्ष में लिखा हुआ है इट विल बी गिवेन एन टू यू वो वाला वर्ष गेहूं का विश्वासी को याद नहीं रहता है कौन सा वर्ष है कब परमेश्वर बोलते हैं इट विल बी गिवेन एन टू यू लूक चैप्टर सिक्स में Go there, Luke चैप्टर six, वर्स thirty-eight. दिया करो तो दिया जाएगा गिवेन एन टू यू यहां पे भी गिवेन एंड टू यू लिखा हुआ है लेकिन हम लोग को सिर्फ क्या याद आएगा आज के डेट में गिवेन टू यू लेकिन वही व्यक्ति यीशु मसीही बोले गिवन गिवन बी ये भी बोले गिवन एन गिवेन एंटू कैसे करके पूरा नाप दबाकर हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डाल दिया जाएगा जॉन चैप्टर सिक्स वॉज थर्टीन उन्होंने बटोरा जव की पांच रोटियां के टुकड़े टुकड़े जो खाने वालों से बचे रहे थे उनकी बारह टोकरियां भरी यू गेव क्यों कॉन्सिक्रेशन क्या था नॉट गिव लास्ट याद रखिए जो का विश्वासी यानी कि पहले परमेश्वर को देना कंजम्पशन लेटर पहले परमेश्वर को देना है पहले परमेश्वर को देना है वो दिया वो छोटा बच्चा ज्यादा ज्ञान नहीं कुछ नहीं बाइबल स्टडी अटेंड किया मैं दे रहा हूं वो याजक महायाजक को दिया एंड परमेश्वर क्या किए दबा कर भर कर हिला कर उभरता हुआ वापस लौटा है। सब लोग खा लिए कंजम पहले कॉन्सक्रेशन उसके बाद कंजम्पशन, उसके बाद बारह टोकरी बचा है। जाओ एंजॉय वीट बिलीवर एंजॉय नाउ एंड बाद में परमेश्वर को के लिए देख लिया जाए लेकिन जो जो जॉक वाला विश्वासी है फर्स्ट मेक प्लीज गॉड पहले परमेश्वर के लिए जौ का विश्वासी के बारे ने बताया दिन रात ये लोग मेहनत करेंगे मानेंगे पे लिए तालियां बजाएंगे और बोलेंगे, well बोलेंगे। मेरे लिए खाना लगाओ तब वो सेवा करेगा और तब तक वो ठहरेगा कौन सब विश्वासी नहीं गेहूं विश्वासी नहीं जव वाला विश्वासी और जब परमेश्वर खा लेंगे तब जो का विश्वासी कहेगा लॉर्ड जो मुझसे कहा गया मैंने बस वही किया मैं लाभदायक नहीं कमा हूं। मैंनी, मैं निकम्मा सेवक हूँ मैं मैं निकम्मा दास हूँ वो है जो का विश्वासी परमेश्वर को पहला स्थान देता है परमेश्वर को पहले रखता है, नॉट कि मेरा नंबर कब आएगा नो no, वो लोग परमेश्वर को वो पहला नंबर देते हैं अपने लाइफ में तो so, यीशु मसीह ये पाँच, पा, कितने पांच हजार से भी अधिक लोग को जौ के रोटियों से खिलाए नाउ कम बैक टू द मेरिकल जो एलिशा ने किया था राइट right? मतलब वहां पे जहर था उसमें जव का चीज को डाला गया आटा को डाला गया और सब ठीक हो गया ओके okay? उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या हुआ वर्स 42 टू 44 सेकंड किंग्स चैप्टर कोई मनुष्य को, सॉरी तब कोई मनुष्य बाल शरीशा से आया पहले उपजे हुए जव के बीस रोटियों को लाया अगेन कॉन्सेक्रेटेड व्यक्ति आ रहा है अकाल का समय में जो पहला उपज पहली बात बहुत कम ही उपज रहा है लेकिन वो जव को बोया था गेहूं नहीं बोया था जव बोया था जव का उपज का हिस्सा को वो लाता है और याचिकों को यानी कि भविष्य वक्ताओं को डांट को, को, को दे देता है डालता है उनके साथ अपनी बोरी में हरी बालों परमेश्वर में हरी वाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया तो एलिशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दिया जाए मतलब आ, ये जो बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स थे ओके नेक्स्ट हाँ उसके टेलियो ने कहा क्या मैं सौ मनुष्यों को के सामने ये बीस रोटी रखूँगा एलिशा ने कहा लोगों को दे दिया जाए कि वो खाएँ क्योंकि यह कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच जाएगा बस फोर्टी फोर तब उसने उनको उनके आगे धर दिया और यह के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच गया अगेन जौ का रोटी बच गया सौ लोगों को खिलाने के बाद भी बच गया यीशु ने कहा देख रहा हूँ ना जॉन द बैप्टिस्ट वो एलिजा के आत्मा में आया एलाइजा के बाद एलिशा आया एलिशा जौ का रोटी के द्वारा चमत्कार किया और बहुत बाकी था सब भविष्य वक्ता को खिलाने के बाद भी जॉन द बैप्टिस्ट के बाद यीशु मसीह आए वो भी जौ का रोटी के द्वारा चमत्कार किया पांच हजार से अधिक लोग को भी खिलाने के बाद बहुत बाकी था इंटरेस्टिंगली जौ का कटनी के समय ही एक नया कन्वर्ट आता है प्रभु में और एक पुराना विश्वासी जो परमेश्वर से बैक हो गया था वो भी वापस परमेश्वर में आते हैं दो लोग रूथ का एक 1:22 रूथ वो नई कन्वर्ट और नयोमी वो बैकस्लाइडर इस प्रकार नयोमी अपनी मोआब अपनी मोआबिन बहू रूथ के साथ लौटी जब मोआब के देश और मोए के देश से आई और वो जौ कटने के आरंभ के समय बेतलेहम में पहुंचे वी सी दैट जौ कटने जौ का समय में वो लोग आ रहे हैं एंड देखते हैं बॉयज किधर है बॉयज के बारे में रूथ का तीसरा अध्याय दूसरा पद बॉयज यीशु मसीह को दर्शाता है राइट बॉयज किधर है अब जिसकी दासियों के पास तू थी क्या वह बॉयज हमारा कुटुंबी नहीं है वह तो आज रात को खलिहान में जो फटकेगा ही विनोज द बार्ली टू नाइट बॉयज क्या कर रहा है वो जो का फसल के साथ में जो के बीच में जो धूल आ गया है जो उसका बाहरी कवच है जो जो इस्तेमाल के नहीं है वो उसको झाड़ रहा है वहां पे वो उसको झाड़ रहा है वहां पे यीशु मसीह वहीं पे जीसस इज द वि कमर्स उनमें अभी भी काम कर रहे हैं उनके साथ अभी भी काम कर रहे हैं दैट इज वेयर बॉयज इज एंड ये एंड वस नाइन रूट चैप्टर थ्री बात कर रहा है पर्व के बारे में फसा पर्व पूरा हो गया है लेकिन फसा पर्व के जस्ट उसके बाद में आता है वो पहला उपज का हिलाने का पर्व कि उसको परमेश्वर के सामने चढ़ाना है और हिलाना है वो वाला पर्व अब मनाया जा रहा है फर्स्ट फ्रूट का फीस्ट को मनाया जा रहा है ओके okay? एंड ये पर्व जब मनाया जा रहा है तो वहां पे बॉयज़ है उसने पूछा तू कौन है तो वो बोली मैं तेरी दासी रूथ हूँ अपने दासी के पास आ, को अपनी चादर ओढ़ा दो कब बॉयज ने रूथ को चादर उढ़ाया फर्स्ट फ्रूट्स जब बारले का फर्स्ट फ्रूट को बॉयज चढ़ा चुका था तब जब वो परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया है फीस्ट खत्म हो गया है वो सोने को गया है सडनली वॉट हैपन्स ये व्यक्ति जो इतना समय लिखा हुआ है बाइबल में वो काफी बूढ़ा था उसका फैमिली बनता है एंड देन फाइनली वो डेविड का ग्रेट ग्रैंडफादर बनता है वेन जब वो जौ को चढ़ा दिया था फर्स्ट फ्रूट्स चढ़ा दिया था जब वो अपना लाइफ में वो कॉन्सेक्रेशन को रखा था सोचिए ना इसराइल में तब तक आकाल था अभी अभी बारिश हुआ है अभी अभी फिर से उपज निकला है एंड बॉयज़ क्या कर रहा है वो डाल रहा है वो परमेश्वर के आज्ञाओं को अकाल में भी हमेशा मानता है अकाल के समय में बॉयज का करीबी कुटुंब एलिमेलिक वो तो चला गया मोएब क्यों उसके लिए कंजम्पशन फर्स्ट कॉन्सिक्रेशन लेटर पहले खाएंगे पिएंगे उसके बाद परमेश्वर के लिए अलग रहेंगे लेकिन बॉयज के लिए परमेश्वर फर्स्ट कॉन् फर्स्ट पर, पहले परमेश्वर के लिए अलग रहेंगे कंजम्पशन लेटर इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एलिमेलिक तो चला गया लेकिन बॉयज़ नहीं गया बॉयज बना रहा प्रतिज्ञा देश में क्यों क्योंकि उसके लाइफ में कॉन्सिक्रेशन था दैट इज वॉट वी वॉन्ट कॉन्क्रेशन कॉन्सिक्रेशन नहीं है लेटस नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स क्योंकि बाकी सब जहर है गिफ्ट के बारे ये सब कुछ ओनली मेक सेंस अगर हम लोग का लाइफ में पहले वो अलगाव रहे और अगर अलगाव नहीं है लेटस नॉट टॉक अदर थिंग्स पहले हम लोग का लाइफ में अलगाव रहना चाहिए फिफ्टीन, उसने तब बॉयज़ ने कहा जो चदर तू ओढ़ी है उसे फैला कर थाम ले और जब उसने उसे थामा तो उसने उसे नापुए जौ नाप कर उसको दिया वो अपना चदर से उसको ढाँका है सुबह को बोली सुबह को उसको बोली कि फैलाओ उसको वो फैलाई उसको छ जव का शिवस को उसके डाला छ मनुष्य का संख्या है ही इज़ रिडीमिंग वो फ्यूचर रिडेमशन का अभी उसको गारंटी दे रहा है मेरा चादर मेरा कवरिंग तुम्हारे पास रहेगा आई हैव कवर्ड यू एंड आई एम रिडीमिंग यू क्या के साथ जव के साथ लेटर अभी उसको बस एविडेंस दे रहा है कि मैं तुमने कहा उसके पहले मुझे शैतान से डील करना है एक और एडवर्सरी है वो भी बोलता है कि उसका तुम्हारा रिश्ता है क्यों एडम गिरा पाप में तो शैतान भी आता है कि ये 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 मेरा 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 है 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 घर घर दुष्ट आत्मा सब क्या बोलता है? ये मेरा घर है। तो जीजस विल डील विद एंड हम लोग को पूरा अपना लेगा एंड फाइनली सेटन विल बी गॉन लेक ऑफ फायर में परमेश्वर डाल देंगे अच्छा तो छह दिया हाँ क्योंकि एक ऑलरेडी याजक के सामने परमेश्वर के सामने वो डाल दिया है क्यों फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स में क्या करना था एक लेना था जो गुच्छा को लिया परमेश्वर के सामने वो और यहां पे बाकी जो रहा को को दे दिया, ए, को दे दिया दिया. रूथ बॉयज इस टाइप ऑफ दैट बार्ली ओवर कमर वो, वो परमेश्वर को पहला स्थान दिया वो परमेश्वर का काम को पूरा करता है एंड गॉड ब्लेसिस दिस मैन एंड वो डेविड का ग्रेट ग्रैंडफादर बनता है उसका फैमिली वहाँ पे सेट होता है एवरी थिंग यू सी कि जो लोग परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देते हैं अपने ज़िंदगी में उनका धार्मिकता को पहला स्थान देते हैं उनके ज़िंदगी में चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो शुरुआत में जैसा इसाक था चाहे वो छोटा सा बच्चा जो अपना टिफ़िन दिया एवरी वन वॉज़ ब्लेस चाहे वो एलिशा था एवरी वन परमेश्वर उनका ज़िंदगी में काम कर रहे हैं अकाल उनको नहीं छूता है जहर उनको नहीं छूता है नया नियम में हम लोग देखे हैं देखते हैं मकदुनिया की कलिसिया ऐसे थी दूसरा कुरंथियों का आठ का पांच और जैसे हमने आशा की थी जैसा पॉलूस का उम्मीद था ना पॉलूस का जो उम्मीद है ना पॉलुस का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है कोई दूसरा पास्टर का एक्सपेक्टेशन जैसे नहीं तुम गा सकते हो अरे वेरी गुड आ जाओ नहीं तुम टाइप दोगे ना? अरे वेरी गुड आई एम ब्लेस्ड पोलूस का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है पोलूस का उम्मीद क्या है उन्होंने प्रभु को पहले अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया फर्स्ट दे गेव दे उसके बाद जो उनका था वो चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया मतलब परमेश्वर की इच्छा था कि फर्स्ट दे कॉन्सक्रेट देम तभी जो उनका है वो दे सकते हैं एंड जो अपने आप को परमेश्वर के लिए कॉन्सक्रेट कर देता है उसका लाइफ में उसका कमिटमेंट कभी ऊपर नीचे नीचे ऊपर आगे पीछे नहीं होता है। बना रहता है वर्स टू थ्री। क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई अकाल में इनका आत्मा का फल बढ़ते गया बुरा बुरा समय में आत्मा का फल इनके अंदर बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया क्यों शरीर को वो लोग रहे थे वस फोर ये सब कमिटमेंट्स कैसे लिया जा सकता हम लोग तो पहले अपना शरीर को बचाने का सोचते हैं क्लेश का समय में टेस्टिंग के समय ट्रायल का समय में ओ सॉरी नो नो नॉट उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य वरण सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया मन से दिया क्यों मन में पवित्र आत्मा का प्रेम रोमियो का पांच का पांच में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का प्रेम ऊंडेला जाता है और वो प्रेम से आकाल का डर टेस्टिंग में जो चीज हम लोग खो सकते हैं ये सब कुछ का डर चला गया क्योंकि सिद्ध प्रेम सब डर को हटा देता है जो नहीं डरता है जो नहीं डरता है मैं गिव यू वन मोवस

नीथिंग एल्स जॉक का जैसा हम लोग का लाइफ में अगर कॉन्सक्रेशन रहेगा जस्ट रीड इट अगेन बिकॉज जस्ट आई थिंक रिकॉर्डिंग अभी आया साम्स थर्टी सेवन एटीन एंड नाइनटीन लॉर्ड नोज द डेज ऑफ द ब्लेमलेस उनका मिराज हमेशा हमेशा बना रहेगा ये हम लोग का मिराज है जो भी व्यक्ति व्यक्ति निर्दोषता में यानी कि पवित्रीकरण में चलेगा वो निराश नहीं होंगे वो शर्मिंदित नहीं होंगे बुरे समयों में क्या बुरे समय में, में आपको सिर झुकाना पड़ा कि आपका लाइफ में ऐसा बुरा समय आया जब आपका सिर झुक गया कैन लॉर्ड मैं क्या करूं कि बुरा समय में मेरा सिर नहीं झुके लॉर्ड मैं क्या मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है कि जब मेरा लाइफ में बुरा समय आएगा तो मेरा सिर नहीं झुकेगा कि आई विल नॉट बी अशेम्ड वर्स में लिखा हुआ है दे विल नॉट बी पुट टू शेम इन ईवल टाइम्स इन डेज ऑफ फैमिन दे विल है अकाल के समय में बहुत आएगा क्यों सिंपली क्योंकि उनके लाइफ में वो लोग अपने आप को पहले परमेश्वर के लिए अलग कर दिए परमेश्वर के लिए वो लोग अपने आप को अलग कर दिए परमेश्वर उनको दोष मुक्त करता है उनको अपना सफाई नहीं देना पड़ता है परमेश्वर उनको दोष मुक्त करता है परमेश्वर उनको शर्मिंदित नहीं होने देगा अकाल के समय में बहुत रहेगा यानी कि हर एक टेस्ट हर एक ट्रायल में क्योंकि वो लोग परमेश्वर लो लो को पहला स्थान दिए थे वो लोग देखेंगे परमेश्वर उनके साथ है क्यों वो लोग जौ है वो लोग बस गेहूँ नहीं है और वो लोग जौ हैं दैट इज वॉट वी हैव टू बिकम जैसा गिदोन स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से जौ का रोटी बन गया था हमें भी आत्मिक रूप से जौ का रोटी बन जाना है लेट्स प्रे पिता परमेश्वर हमें मदद कीजिए लॉर्ड बहुत समय लॉर्ड हम लोग हम लोग का मन इनफैक्ट हम लोग का दिल में लॉर्ड, कॉन्सक्रेशन फर्स्ट नहीं रहता है सेल्फ फर्स्ट रहता है कंजम्पशन फर्स्ट रहता है लेकिन लॉर्ड वी वॉन्ट कि हम लोग का दिल में कॉन्सेक्रेशन फर्स्ट रहे हमें मदद कीजिए प्रभु कि हम लोग भी जौ की रोटी बने लॉर्ड क्योंकि ये आपका इच्छा है क्योंकि जौ की रोटी ही जो जयवंत है उन्हीं को लॉर्ड गॉड आप स्वर्ग में मुकुट देंगे लॉर्ड यहाँ पे कोई फायदा नहीं है कोई भी किस्म का काम करके अगर स्वर्ग में हम लोग को सुनना पड़े कि तुमने मेरा इच्छा पे नहीं चला लॉर्ड हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जौ का रोटी बने हम लोग के अंदर हर एक किस्म का गलत सिद्धांत लुभाने वाली बात है वो टेम्टशन जिसके वजह से हम लोग का कमिटमेंट और कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है उजाड़ दीजिए हम लोग के दिलों से लॉर्ड और हम लोग का लाइफ में लॉर्ड हम लोग प्रार्थना करते हैं हमें मदद कीजिए कि हम लोग जौ की रोटी जैसे रहें धन्यवाद प्रभु ईश्व मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं अमीन मैन गॉड ब्लेसिंग